So shortcut number two to find the cube root of cube of two digit number. देखो अभी सब लोग ध्यान से सुनो, please pay proper attention. Whenever we have a two digit number, let us say for example I want to find out the cube of 23. This we want to find out. So whenever a two digit number is given, we will write it in this format AB. B will be the unit digit, we can say it as ones place, and this small a will be tens digit, tens place. So unit digit and tens digit are B and A. And now we have to find out total four values. First of all, a cube, tens digit ka cube, then 3 times a square b, the second value we have to find out. Then third value we have to find out is 3 times ab square. And fourth value we have to find out b cube. ये शॉर्टकट का तरीका बता रहा हूँ यार. सेकंड शॉर्टकट नंबर टू वी आर डिस्कसिंग हाउ टू फाइंड आउट द क्यूब ऑफ एनी टू डिजिट नंबर. नाउ हियर ए विल बी इक्वल टू 2 इन दिस केस एंड बी विल बी इक्वल टू 3. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट दिस फोर वैल्यूज. तो पहले चार वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे. ए का वैल्यू 2 है, सो ए क्यूब मींस 2 क्यूब विल बी 8. जब भी एक सिंगल डिजिट आंसर आता है तो यहाँ पे 0 लेने का साथ है. ऑलवेज ट्राई टू राइट 2 डिजिट. अगर एक सिंगल डिजिट है तो 0 लिखो. 3 टाइम्स ए स्क्वायर बी, 3 × a² b, मतलब यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए का वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू 3 है. 3 × a² b, so 3 × 4 × 3, so 12 × 3 = 36. 3ab², so 3 × 2 = 6, 6 × b² = 9. We can write it here also like this: 3 × 4 × 3. Here 3 × 2 × 3² = 9. 3 × 2 = 6, 6 × 9 = 54. And b cube will be 3 cube. That is 27. और अभी क्यूब का जो आंसर है 23 का क्यूब, ये बिल्कुल जैसे हमने स्क्वायर में देखा था वैसे ही है. तो सबसे पहला जो यूनिट डिजिट है यहाँ पे लिख लो क्यूब में 7. ये जो टेंथ डिजिट है ये प्रीवियस यूनिट डिजिट में ऐड करो. स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, टेंथ डिजिट ऐड इन द यूनिट डिजिट. 2 + 4 = 6 यहाँ पे लिख लो. Then इस 10 डिजिट को यहाँ ऐड करो. 5 + 6 = 11, कैरी 1 हियर. ओके, दिस इज 3 + 1 = 4. इसको 5 + 6 = 11 का 1 हमने यहाँ लिखा और 1 ऊपर कैरी लिया. 3 + 1 = 4. 4 + 8 = 12, कैरी 1 हियर. एंड 0 + 1 आंसर इज 1. सो यू कैन क्रॉस चेक 23 का क्यूब. सम वन ऑफ यू कैन कैलकुलेट ऑन द कैलकुलेटर एंड चेक वेदर दिस इज द आंसर. इज इट करेक्ट? सर उसका मतलब ऐसा कि आपने बी क्यूब के पीछे पीछे आकर वो क्यूब निकाला है ना, वो जैसे कि 7 और रख के 2 और 4 का एडिशन करके और 4 उन दोनों की एडिशन जो आई उसको भी सिक्स वो क्यूब में आता है उसमें लिखकर ऐसा किया क्या? यस, देखो ये 23 × 23 × 3. अगर सर ऊपर की स्टेप है और एक बार एक्सप्लेन करो ना सर. 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं. इफ वी मल्टीप्लाई थ्राइस then what happens is it may take time. लेकिन ये चार वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत आसान है.
find out these four values is very difficult. A cube, 3a square b, 3ab square b. Of course, 23 का मल्टीप्लीकेशन तीन बार करना थोड़ा सा आसान भी हो सकता है. बट नाउ लेट अस से वी वांट टू फाइंड आउट द क्यूब ऑफ 98. तो ये भी एक प्रैक्टिस के लिए और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम. सो हियर वी कैन से 10th डिजिट ए इज 9 एंड यूनिट डिजिट बी इज 8. ये चार वैल्यूज हमें फाइंड आउट करने हैं. A cube, 3A square B, 3AB square B cube. ठीक है? Just pay attention on board first. Later you can write down. I need you time to write down. पहला है A. A मतलब यहाँ पे 9. 9 का cube. 9 का cube कितना है? आता है 729. Then 3A square B. देखो अगर आप 98 का क्यूब लेना चाहते हैं तो 98 इंटू 98 जो भी आंसर आएगा उसको फिर से आपको 98 से मल्टीप्लाई करना है. सो इट विल टेक शोरली लॉट ऑफ टाइम, रादर दिस विल टेक वेरी लेस टाइम. यहाँ पे 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 81, 9 का स्क्वायर इंटू बी, बी इज 8. सो दिस इज 243 इंटू 8, 8 3 इज़ 24 carry 2, 8 4 is a 32 plus 2, 34 carry 3, 8 2 is a 16 plus 3, 19, 1944. Then 3ab square, 3 into 9 into b is 8, 8 square is 64. If you know the table of 27, that is good. If you don't know, then we will have to multiply one by one. So, yes, can anybody tell me 9 3s are 27? 27 into 64, how much is the multiplication? So, 1728. And then finally, B cube, that is 8 cube will be 8 cube. 8 cube is nothing but 512. Now, when we want to write down final answer 98 cube, तो यहाँ पे फिर से यही same procedure हमें apply करना है. सबसे पहले right hand side से start करो. पहला unit digit 2 as it is लिख लिया. बाकी के ये remaining 2 digit जो है 51 total will be added to the unit digit previous unit digit 8. 51 plus 8 it will be 59. 59 का 9 यहाँ पे लिखो और बाकी का जो 5 है वो कैरी ले लो. यहाँ पे मैं 5 कैरी लिख रहा हूँ और ये पूरा अभी रिमेनिंग 172 प्लस 5 दैट इज 177. 177 विल बी एडेड टू द प्रीवियस यूनिट डिजिट. 172 प्लस कैरी 5 तो 177. 177 प्लस 4 181. 181 का 1 यहाँ पे लिया और बाकी बचा 18 कैरी. फिर 194 प्लस 18 इन दोनों का एडिशन यूनिट डिजिट 9 में ऐड करना है. सो 194 प्लस 18 हाउ मच? 275. 194 प्लस 18 इट विल बी 194 प्लस 18 प्लस 9. तो पहले तो देखो 194 प्लस 18 इट विल बी 222. 194 प्लस 18 222 करेक्ट. और 222 प्लस 212 plus 9 that is 221 का 1 यहाँ पे लिख लिया हमने और बाकी 22 कैरी है और एक 22 कैरी प्लस 72 ये ऐड करो. 72 प्लस 22 2 प्लस 2 4
क्रॉस चेक कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देखो यही क्यूब है क्या। इज इट करेक्ट? यस सर। ओके सो this is how we can find out by this shortcut method. Of course यहाँ पे थोड़े लार्ज नंबर होंगे तो ये चार वैल्यू फाइंड आउट करने हैं, बट आफ्टर दैट एडिशन विल टेक वेरी लेस टाइम। एवरीवन अंडरस्टूड दिस सेकंड शॉर्टकट? यस सर। ओके नेक्स्ट शॉर्टकट नंबर थ्री। टू फाइंड क्यूब ऑफ एनी नंबर यूजिंग फॉर्मूला। तो यहाँ पे एक्चुअली ये फॉर्मूला ही है, so using formula we can find out the cube now. So here we have to remember two formulae. First of all, first one is a plus b bracket cube is equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. And second one is for subtraction a minus b bracket cube. It is a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. Here is alternate plus minus plus minus, positive negative like this. अगर minus sign है तो alternate plus minus sign आ रहा है. Okay. So now, when we want to find out the cube of any number, we can use this formula. Now how to use? Let us take an example. देखो, यहाँ पे a plus b bracket cube है. Say for example. We want to find out the cube of 92. So, is 92 को हम लिखेंगे. 92 can be written as 90 plus 2 bracket cube. Now, if we compare, this is a plus b bracket cube. Here, a will be 90 and b will be equal to 2. And now, in the formula, we will have to substitute the values of a and b. A is 90 and b is 2. Substitute and take the addition of these four numbers. So first of all, a cube, that is 90 cube. 90 ka cube aega. A ka value 90 hai, b ka value 2 hai. A cube 90, 90 ka cube aega. Pehle 9 ka cube aata hai, 7 to 9. Aur a 3 times 0. This is 90 cube. Plus 3a square b. 3a square b means it will be 3 into 90 ka square divided by 8100 into 2. So it is 3 to the 6. Yaha pe double 0 aega and 6 multiplied by 81. 6 ones are 6. 6 8s are 48. Okay. Plus 3ab square. 3ab square, so 3 into 90 into b square is 4. So 3 4s are 12. Yeah, pe ek 0 dal do. 12 9s are 108. Plus b cube. B cube means 2 cube, that is 8. And now simply add them. 8, 6. 9 plus 8, 17 plus 1, 18, carry 1.
टू प्लस फोर सिक्स प्लस वन सेवन एंड दिस सेवन सो दिस इज द आंसर ऑफ 92 क्यूब. कैन एनीबडी क्रॉस चेक कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देखो यही आंसर है क्या. देखो जब आप मल्टीप्लीकेशन लेते हैं 92 into 92 into 92 थ्राइस दैट कैलकुलेशन विल टेक लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी. देन रादर देन दैट व्हाट वी कैन डू इज यू आर कैलकुलेटिंग फोर वैल्यूज बट एडिशन टेक्स वेरी लेस एनर्जी. एडिशन इज वेरी इजी. इज इट करेक्ट आंसर? यस सर. यस सर करेक्ट. स्क्वायर में भी हमने ऐसा ही फॉर्मूला देखा था a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. यहाँ क्यूब का फॉर्मूला है. यहाँ चार चार टर्म हमें फाइंड करने रहे. एंड व्हाइल फाइंडिंग आउट द आंसर यू कैन राइट इट वर्टिकली. इट बिकम्स वेरी इजी फॉर एडिशन. सर वो स्क्वायर का फॉर्मूला इसके इजी था ना? हाँ अभी क्यूब थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा ना. ये पहला एग्जांपल. अभी समझो दूसरा एग्जांपल है 98 का क्यूब जो हमने ऑलरेडी इस मेथड से फाइंड आउट किया था. अभी सेम इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 2 ब्रैकेट क्यूब. तो ए का वैल्यू रहेगा 100 और बी का वैल्यू रहेगा 2 और यहाँ पे a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब ये सेकंड फॉर्मूला यूज होगा. ओके लेकिन ये फॉर्मूला यूज करते वक्त क्या होता है कि हर बार आपको पहले ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है पॉजिटिव नेगेटिव पहले सब्ट्रैक्शन लेना है बाद में उसमें ऐड करो उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो. तो एडिशन सब्ट्रैक्शन है अल्टरनेट बट एनीवेज वी कैन यूज इट बिकॉज कैलकुलेशन वुड बी वेरी इजी. तो ए का वैल्यू 100 100 का क्यूब आएगा लाइक दिस 6 zeros. सो 10 lakh 100 cube माइनस 3a² b. यहाँ पे 3a² b का वैल्यू आपका आएगा 3 into a² a² इज 10,000 into b is 2. 3 to the 6, 6 into 10,000 it will be 60,000. So if we subtract 60,000, पहले subtraction ले लेते हैं, बाद में उसमें add करेंगे, and then again we will subtract one by one. So if I take subtraction, so finally this is actually 0 0 0 fourth zero and here is 6 remaining 100 minus 6 that is 94. Then next this is 9 lakh 40,000. उसमें हमें 3ab² ऐड करना पड़ेगा. 3ab² कैलकुलेट कर लो. 3 into 100 into b² is 4. 300 into 4 3 4 12 1200 1200. ये इसमें ऐड करना है. सो 0 0 देन 2 plus 0 2 1 plus 0 1 4 9 9 4 1 2 00. ये हो गया एडिशन. और अभी लास्ट स्टेप बचा है. इन द लास्ट स्टेप वी गुड टू फाइनली बी क्यूब सब्ट्रैक्टेड. बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब. 8 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा माइनस 8. सो हाउ मच विल बी द आंसर? 1200 माइनस 8 दैट विल बी 1192. सो 941192 941192 दिस इज द आंसर. एग्जैक्टली सेम आंसर हमने मिला. Now, whichever you find easier, you can use formula or you can use this method. Whichever sir, you मुझे,
सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें आपने ए प्लस बी क्यूब और ए माइनस बी क्यूब, जैसे कि आप वो फाइव के अंदर के उसको हम ए प्लस बी क्यूब यूज करेंगे और ए माइनस बी क्यूब वो फाइव के बाद में आते हैं उसको करेंगे, ऐसा क्या? हाँ, आप अभी डिसाइड कर सकते हैं, ऐसे नहीं है कि 98 को मैंने 100 माइनस 2 लिखा, 98 को मैं 90 प्लस 8 भी लिख सकता हूँ, a प्लस b ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला अगर मुझे यूज करना है तो, और इसको मैं 100 माइनस 2 लिख सकता हूँ, तो फिर ये सेकंड फॉर्मूला यूज होगा। आप डिसाइड करो कौन सा आसान लगे। आई एम फीलिंग दैट एडिशन इज इजियर, a प्लस b ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला इजी है, तो आप हमेशा इसी को यूज करो। ओके, इट डिपेंड्स ऑन यू। यस सर, व्हिचएवर यू वांट यू कैन यूज। इज इट क्लियर? दोनों शॉर्टकट समझ में आए? यस सर। सो वी हैव लर्नड हाउ टू फाइंड आउट क्यूब रूट in the first shortcut, and in second and third shortcut we saw how to find out the cube. Now let us start with the actual chapter, complete the writing. Yes sir, completed. No sir, sir wait sir. Okay. सर वो चैप्टर छोटा है क्या? उसमें दिखाई दे और तो थोड़ा डिफिकल्टी है सर, वो नीचे का नहीं दिख रहा सर, वो नीचे का। हो गया लिख के, इज इट कंप्लीटेड? No, sir. Completed, sir. So we know initially what do we mean by cube of a number, then cube root of a number. Let us say if we multiply a same number to itself thrice, teen bar hum same number khud ke sath multiply karenge, say 3 raised to power 3, 3 into 3 into 3, so
So this 27 is called as cube of 3. And if I want to find out cube root, so cube root of 27 will be equal to 3. Cube root हम ऐसे represent करते हैं, ये square root का symbol और वहाँ पे लिखना है 3. That means it is third root. Third root is called as cube root. Now whenever we find out the cube of any integer, cube of any integer, that is called as perfect cube number. Cube of any integer is called as perfect cube number. Okay, so perfect cube number means, for example, if I take say 2, so 2 cube, 8 will be the perfect cube. If I have minus 2 cube, so it will be minus 2 into minus 2 into minus 2, that is negative 8. So इसका मतलब आप चाहे 8 लो या negative 8 लो, दोनों भी perfect cube number है. So please don't forget this. जब हम perfect square numbers लेते थे, when we used to take perfect square number, perfect square number हमेशा positive रहता था, लेकिन perfect cube number negative भी रह सकता है. Perfect cube number can be negative because cube of any integer is called as perfect cube number. और perfect square number में हमने देखा था कि square of any natural number is called as perfect square number. वहाँ पे natural number बोला था, यहाँ पे हमने integer बोला है. So perfect cube number can be negative also. Write down. Next, this is very easy. How to check the perfect cube? So let us say there is a number given to us, 189, and we have to check whether it is perfect cube. So kaise check karenge bolo? How we will be check? परफेक्ट स्क्वायर कैसे चेक करते थे याद है? समझो आपको 64 दिया है और यू आर गिवन से फॉर एग्जांपल 25, तो उसमें क्या मिलता था हमें? प्राइम फैक्टराइजेशन में पेयर्स ऑफ टू टू प्राइम फैक्टर्स, सो देन इट इज परफेक्ट स्क्वायर. सिमिलरली परफेक्ट क्यूब नंबर में क्या होगा? Pair of three prime numbers together. तो यहाँ 189 को अगर हमने prime factorize किया, so it will be 3 6, we can do the prime factorization by factor 3. 3 6 18, 3 3 9, 3 2 3 7. So it is 3 into 3 into 3 into 7.
तो यहाँ पे 10 ऑफ 3 प्राइम नंबर्स है बट ये 7 एक्स्ट्रा आ रहा है, सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. बट इफ आई आस्क यू व्हाट अबाउट 27, सो 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 3 × 3 × 3, सो देयरफॉर इट इज परफेक्ट क्यूब. व्हेनेवर अ प्राइम फैक्टर इज रिपीटेड थ्राइस इन पेयर्स लाइक दिस पेयर ऑफ 3 3 देन इट इज परफेक्ट क्यूब. परफेक्ट स्क्वायर में दो दो बार आते थे पेयर ऑफ 2 2, हियर दे विल कम इन 3 3. नेक्स्ट यहाँ पे हमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. So those two types of questions I will take now. First question number 1. Find the smallest number by which find the smallest number by which 256 must be multiplied. 256 must be multiplied to obtain perfect cube. ये पहला इस टाइप का क्वेश्चन है. यहाँ पे हमें इसको मल्टीप्लाई करना है बाय अ पर्टिकुलर स्मॉलेस्ट नंबर सो दैट इट विल बिकम परफेक्ट क्यूब. तो बहुत सिंपल है, फिर से 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो. इफ वी राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 256, वी नो ऑलरेडी दैट 256 इज 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2. How many times? 8 times. Okay. So now, यहाँ पे ये 2 तीन बार आए हैं, 3 बार आए हैं. अभी यहाँ पे ये तीसरा जो पेयर है, यहाँ 1 2 कम पड़ रहा है. 1 2 is lacking. तो हमें क्या पूछा गया? Find the smallest number by which this should be multiplied so that it will become perfect cube. तो इसको perfect cube बनाने के लिए यहाँ पे एक और extra 2 से multiply करना पड़ेगा ताकि ये तीसरा pair भी बन जाए. So therefore we can say the smallest number by which we have to multiply is 2. So we have to multiply by 2. तो बस प्राइम फैक्टराइजेशन देख के हमें समझ में आता है कि 3 3 के पेयर्स में आ रहे हैं, तो 3 3 के पेयर को कितने कम पड़ रहे हैं, 1 2 कम पड़ रहा है, तो इसलिए वी विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2. ये समझा क्या सब लोगों को? इज इट क्लियर? नो सर. यस सर. यस सर. इज इट क्लियर? यस सर. सर वो कैसे कर रहे समझ में नहीं आ रहा है. सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 256 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब, या फिर ऑब्टेन की जगह हम ऐसा बोल सकते हैं टू मेक इट परफेक्ट क्यूब. उसको परफेक्ट क्यूब बनाना है 256 को, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्मॉलेस्ट नंबर. तो परफेक्ट क्यूब का खासियत क्या है? उसमें हमेशा प्राइम फैक्टर जो है वो 3 3 के पेयर्स में आते हैं, 3 3 के पेयर में आते हैं. यहाँ 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने लिखा, तो यहाँ 2 8 बार आया है, 8 टाइम्स. करेक्ट है ना? 8 टाइम्स ही आएगा ना? यस सर. ओके. तो यहाँ 3 3 का पहला पेयर आ गया, दूसरा पेयर आ गया, तीसरा पेयर नहीं आएगा
क्योंकि यहाँ दो ही दो बार ये टू, तो एक टू मुझे एक्स्ट्रा लगेगा ये तीसरा पेयर बनाने के लिए, और फिर ये अभी परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। मतलब इसको अगर हमने इस एक्स्ट्रा टू से मल्टीप्लाई किया तो ये 256 क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब। आप चाहे तो 256 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखो तो आपको 512 मिलेगा, एंड दिस इज द परफेक्ट क्यूब।